आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और मैं पाकिस्तान में खड़ी हो के बस ये बात कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। और टीज़ के बारे में बताएं, हमारे मुल्क में कितने राइट्स हैं और क्या हो रहा है? सबके साथ ही हैं। देखिए उन्होंने तो ये गलत बात की है। इंटरनेशनल भिखारी हैं, वीज़ा लेके भीख कौन मांगता है बे? वीज़ा लेके भीख मांगते हैं ये लोग। ये कहीं भी ये पहले वीज़ा लेते हैं, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ के कहीं और जाते हैं और वहां पर जाके भीख मांगते हैं। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन भेज देंगे। दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना, हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया। सबके लिए मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये खास तौर पे पैगाम दूंगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली है। आपने देखा है यहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर है, एक यहाँ पे पीछे एक और मंदिर है, दो चार, और वहाँ पे एंट्री भी नहीं करने देते हैं क्योंकि पता है हालात बहुत बुरे हैं, एक्सपोज हो जाएंगे। जी आपको लग रहा है पाकिस्तान में राइट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। लोगों को धमकियाँ देते हैं अक्सर, के लोगों के टांग मामलात में टांग गड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को, यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है। सारे के सारे पाकिस्तानियों के जबान पे एक झूठ है कि हमने बहुत बड़ा काम करा अमरीका का। अरे भाई तुम्हें पैसे मिले थे मुफ्त में, तुम अपने बाप को दवाई ना दो, मुफ्त में तुम अपने सगे बाप को दवाई ना दो, काम करा था तुमने, एहसान जता रहे हो, मोटे पैसे नहीं, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें गाली देता है। ओवरऑल आप देख भी लें, ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, कोई इस तरह का कोई इशू भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है, एटमी पावर भी है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे पाकिस्तानियों को देखने वाले हैं जो भारत के अंदर जो CAA को लेकर जो कानून बना है उसको बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तानी जुल्म करते हैं, तो भारत जो CAA का जो बिल लेकर आया है, जो कानून बनाया है, वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही किया है मोदी सरकार ने। तो वीडियो आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताइए स्पेसिफिकली गैर मुस्लिमों के साथ हमारा क्या रवैया है, जिस तमाम के तमाम अभी CAA पास होने की देर है कि यहाँ से सारे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ मैं भी खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। मुसलमानों के लिए नहीं है CAA, मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है। सॉरी, दुआ है कि मुसलमानों को भी ऐसे वापस जाएंगे, इंडिया जाएंगी अगर इजाज़त हुई तो, हम चले भी जाएंगे, लेकिन मुसलमान हो मुसलमानों के लिए हो तो फिर जाएंगे। इंडिया चली जाएंगी? हाँ, अगर मुसलमानों के लिए हो ना तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा राइट्स देता है। हाँ, ऐसा कैसे? उन्होंने अलग इंतज़ाम रखा हुआ है, जो गैर मुस्लिम उनके कंट्री में आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और अलग से उनका घर भी देते हैं मैया। मुसलमान जो आते हैं? हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि आप हमें, हम हमेशा हर महाज पर जाकर कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई ऐसा लॉ हमें भी पास करना चाहिए जैसे CAA पास हुआ है, पाकिस्तान भी पास करे, ताकि जो मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं हम उनको नेशनैलिटी दें? हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ जी, मुसलमान पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? पाकिस्तान वो तो नहीं आएंगे, अभी तो खास से डर रहे हैं मुसलमानों की कंट्री में कैसे आए, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है, और हाँ यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग बैठे हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं अक्सर, के लोगों के टांग मामलात में टांग गड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को, यहाँ ईंटें बहुत बारी जाती है इनसे पूछताछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए, यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना घुपाई जाती है बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली, मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और मैं पाकिस्तान में खड़ी हो के बस ये बात कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, आईडी कार्ड भी ले लिया जाता है। बोला है, मैं यहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, पाकिस्तान में खड़ी होकर कह रही हूँ कि कोई पाकिस्तान ना, यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज़म है गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए या किसके लिए, ये आपने बताया नहीं।
ये सबके लिए, मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये खास तौर पे पैगाम दूंगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंडर करते हैं। माइनॉरिटीज को कितने राइट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान में? माइनॉरिटीज को उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे जिस तरह उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें या अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, यूरोपियन यूनियंस को देखें, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को उस तरह राइट्स दिए जाते हैं जिस तरह उनको मिलने चाहिए। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ है जिनके तहत हम माइनॉरिटीज़ पे जुल्म किया जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी एक इचरा में एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें एक खातून ने एक अरबिक कैलीग्राफी का एक ड्रेस पहना हुआ था। तो हमें वहीं से उस इंसिडेंट से हमें ये चीज़ नज़र आती है कि कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि मज़हब के नाम पे, मज़हब के, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतना शऊर नहीं है कि किस तरह हमें सोसाइटी में चलना चाहिए। अच्छा, आपने जो बात की है ब्लास्फेमी की, यही बात मद्देनजर रखते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया है जिसके थ्रू पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, इन तीनों मुल्कों से जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, चाहे फिर वो क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, वो सारे माइग्रेट करके इंडिया जा सकते हैं, उनको बहुत इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो 2014 में गए थे इन तीनों कंट्रीज से, वहाँ पे उनको सिटीजनशिप मिल गई है, वो बहुत खुश है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में उनको ऐसा क्या नहीं मिला जो उनको इंडिया में मिल गया? पाकिस्तान में उनको ऐसा क्या नहीं मिला? ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने आप को तस्लीम तो नहीं करता, लेकिन वो एक अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम एक हिंदू स्टेट है जहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। तो इस वजह से वो लोग इस चीज़ को देखते हुए इंडिया जा रहे हैं कि भाई हाँ भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो रिलीजन है वो हिंदू। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में उनको ऐसा क्या नहीं मिला, वो दूसरा सवाल है कि इंडिया में उसको ऐसा क्या मिल गया, वो तो आपने बताया, पाकिस्तान में क्या नहीं मिला? पाकिस्तान में उनको अगर ओवरऑल हम देखा जाए, हमारे पाकिस्तान को इवन के मुस्लिम को भी ओवरऑल सिटीजंस को हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए ही नहीं गए। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसी हमारी कंट्री है जहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, ना जस्टिस है, कुछ भी नहीं है। इवन के हम लोग हम मुस्लिम हैं, हमें भी उस तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए गए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि वो हमें देने चाहिए। जॉब आप कर रहे हो, आप मस्जिदों में जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कौन से राइट कौन से चाहिए आपको? हमें जो मेन बेसिक फंडामेंटल चाहिए वो रूल ऑफ लॉ है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो एक जो ऊपर वाली क्लास होती है उसको हर तरह की प्रिविलेज दी जाती है, लेकिन जो नीचे वाले लोग होते हैं वो पिस जाते हैं। वो एक डोमिनेटिंग सोसाइटी, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेट करें, और वो ऐसे लोग हैं जो कि इलीट क्लास है। तो हमारे जैसे एक मिडिल क्लास बंदा भी यहाँ पे तब जाता है। तो ये चीज़ अगर हम इस चीज़ को देखा जाए तो उनको ये चीज़ यहाँ पे दी नहीं जा रही जो एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो कि हर एक इंसान पैदा होते ही हर एक इंसान को दिया जाता है। एक पाकिस्तान की जो एक बेसिक मेंटालिटी है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें कि जब उन्होंने कहा है नॉन मुस्लिम्स को कि आप आ सकते हो, इजीली सिटीजनशिप मिलेगी, तो पाकिस्तानी मुसलमान इतने क्यों भड़क गए कि हमें क्यों नहीं दे रहे, ये क्या वजूहत है? वो तो फिर यही बात होगी कि पाकिस्तान जब देखता है ना कि इंडिया को, इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया, हम एक वो कंट्री है जो कि इंडिया से आज़ाद हो गया है, एक साथ 1947 में दोनों कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुई थी, लेकिन आज वो एक हमसे इकोनॉमिक लिहाज से उनकी वहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लेकर बात करें तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि जो पाकिस्तानी है, वैसे तो पाकिस्तानियों का सिस्टम ऐसा है कि पाकिस्तानी कभी मानते नहीं हैं मीडिया में, कभी इस बात को वो मानते नहीं हैं कि वो जुल्म करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर। लेकिन अगर हम डेटा पर नज़र डालें तो जो डेटा है वो तो यही बताता है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक किस प्रकार से माइनॉरिटी को पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से ख़त्म किया गया है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे मिल जाते हैं जो खुद ये कहते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को राइट नहीं दिए जाते हैं, उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म जो है ना वो बदलवाया जाता है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने कुछ पाकिस्तानियों को सुना है, उनकी राय आपने देखी है, वो यहाँ पर इस सच को स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।